अब बिकॉज यू हैव टू फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड गूगल, सो एट द एंड ऑलवेज यू हैव टू एड वन इन ऑर्डर टू फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड गूगल, समझ आया? हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकैड हेल्प। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आपकी तैयारी एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो मैंने IIT JEE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज किया और मैंने देखा कि यार रैंक ऑफ वर्ड कंसेप्ट पे बेस्ड IIT ने काफी सारे क्वेश्चंस पूछे। इन क्वेश्चनों को करने का जो एक्चुअल मेथड होता है वो जनरली काफी लेंदी होता है, पर यकीन मानिए अगर आप इस ट्रिक को सीख जाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन को आप कम से कम समय पे कर सकते हैं और आपके पेपर में कहीं ना कहीं समय बचने वाला है। तो इस ट्रिक को एक बार समझ लीजिए, इन पे बेस्ड दो चार क्वेश्चनों को लगा लीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और आपको बड़े प्यार से चार नंबर आपकी झोली में जाने वाले हैं, ठीक है? तो रैंक ऑफ अ वर्ड पहले समझाने से के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगा। जो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ वो ये है गूगल, ठीक है? और मैंने गूगल वर्ड ही क्यों लिया, क्योंकि इसमें जो वर्ड है वो आपके क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, GOOGLE, गूगल मैंने आपके सामने लिया। ट्रिक आपको क्या अप्लाई करनी होती है कि यार किसी ने बोल दिया जो गूगल वर्ड है इसका डिक्शनरी में कौन सा रैंक होगा। क्वेश्चन आपके सामने ये है कि जो गूगल वर्ड है इसका डिक्शनरी में कौन सा रैंक होगा, मतलब जब ये गूगल वर्ड है इसके अगर मैं जी को आगे, ओ को पीछे, जी को आगे, एल को पीछे, ऐसे बहुत सारे अगर मैं इसके अरेंजमेंट बनाऊं तो डेफिनेटली बात है कि डिक्शनरी में इसका ऑर्डर कैसा होगा। सबसे पहले ई से कुछ वर्ड स्टार्ट हो रहे होंगे, फिर जी से हो रहे होंगे, फिर एल से, ओ से, जो भी ऐसा कुछ वर्ड स्टार्ट हो रहे होंगे। तो अल्टीमेटली यू हैव टू फाइंड व्हाट विल बी द रैंक ऑफ द वर्ड गूगल, गूगल की आपको रैंक बतानी है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है ट्रिक को लगाने के लिए वो ये होता है कि आपको लेटर के ऊपर नंबरिंग करनी होती है इनके अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। तो सबसे पहले मैंने देखा कि सबसे छोटा जो नंबर है आपके सामने, सबसे छोटा जो लेटर है वो है ई, तो ई के ऊपर आपने सिंपली क्या कर दिया, 1 लिख दिया। ई के बाद जो इंग्लिश अल्फाबेट में आता है वो आता है आपका जी, ठीक है? तो जी के ऊपर आपने सिंपली क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। अब जी के बाद आपका कौन सा लेटर आता है, जी आई जी के एल एम ओ पी एल, एल आता है, एल के ऊपर आप सिंपली क्या लिख दो, यहाँ पे 3 लिख दो। अब एल के बाद आपका लास्ट में क्या आएगा, ओ आएगा, तो ओ के ऊपर आप 4 लिख दो, क्योंकि फोर्थ नंबर पे आपका क्या आने वाला है, ओ आने वाला है, ठीक है? अब सब लेटर से आपको बारी बारी से जाना है और पूछना है, जैसे आप जी पे गए और जी से आपको पूछना है कि भाई आपके राइट में आपसे छोटे कितने नंबर है, और रिपीटेशन वाले भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ क्या बोलना है आपको जी से, कि जी आपके राइट में आपसे छोटे कितने नंबर है। तो जी ने बोला मेरा खुद रैंकिंग आया है सेकंड, तो मेरे से छोटा कौन हुआ, सिर्फ ई हुआ, मेरे से छोटा कौन हुआ, सिर्फ ई हुआ। तो जितने लेटर आपके उससे छोटे आते हैं सिंपली आपको क्या करना होता है, उससे 1 लिखना पड़ता है यहाँ पे, जितने लेटर उससे छोटे आते हैं, और डिवाइड किससे करना पड़ता है आपको, अल्टीमेटली जितने लेटर फिर रिपीट करेंगे। देखो यहाँ पे अगर मैं जी वर्ड को भी इंक्लूड करता हूँ तो जी आपका 2 बार आता है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, और साथ में ओ आपका 2 बार आता है तो अल्टीमेटली यू हैव टू डिवाइड 2 फैक्टोरियल अगेन, ठीक है? अब जी की बात खत्म हो गई, अब ओ पे चलते हैं। मैंने ओ से कहा मेरे भाई ओ की तेरे बगल में राइट में, तेरे राइट में तेरे से छोटे कितने लेटर्स है। तो जी ने बोला मेरे रैंकिंग है 4, और मेरे से छोटे जो लेटर है वो है जी एल और ई। कौन कौन से हैं, जी एल और ई, तो इसके नीचे क्या लिख दूंगा मैं, सिंपली 3 लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा मेरे भाई, 3 लिख दूंगा, ठीक है? अब मैंने ओ से बोला कि भाई कोई रिपीट तो नहीं कर रहा, तो ओ ने बोला मैं तो खुद ही रिपीट कर रहा हूं, तो क्या कर दूंगा मैं, सिंपली 2 से डिवाइड कर दूंगा, जितने लेटर्स आपके क्या होंगे, रिपीट होंगे, उतने फैक्टोरियल से बस आपको डिवाइड कर लेना है। फिर मैंने ओ से कहा ओ आपके राइट में आपसे छोटे कितने नंबर लेटर्स हैं, तो उसने कहा कि भाई 3 लेटर है, कौन कौन से, जी है, एक एल है और एक ई है, तो सिंपली मैं क्या कर दूंगा, फिर से यहाँ पे 3 लिख दूंगा, क्योंकि 3 लेटर उससे छोटे हैं। समझ आया कि नहीं आया, एक बार आप खुद भी अप्लाई करोगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा। अब मैंने देखा कि भाई कोई रिपीट तो नहीं कर रहा, उसने कहा नहीं कर रहा, तो कुछ नहीं कर रहा, बस डिनोमिनेटर में कोई लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे 1 लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? क्योंकि फ्रैक्शन में हम चीजें देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? अब मैंने जी से पूछा, जी भाई आपसे छोटे आपके राइट में कोई लेटर है कि नहीं है, तो जी ने कहा कि हाँ है, कितने, तो मैंने कहा, उसने कहा 1 है, तो उसने लिख दिया भाई 1 है, कोई रिपीट तो नहीं कर रहा, नहीं कर रहा है, वेरी गुड, नहीं कर रहा है। ई से एल से पूछा, एल आपके बगल में, आपसे राइट में, आपके राइट में, लेफ्ट में भी नहीं, राइट में आपसे छोटे कितने हैं, तो एल ने कहा कि 1 ही है भाई, तो 1 लिख दो यहाँ पे, ठीक है? ई ने कहा कि तेरे आपके बगल में राइट में कोई है छोटा, तो उसने कहा नहीं है, तो आप यहाँ पे सिंपली क्या लिख दोगे, 0 लिख दोगे। यहां तक समझ आया, पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट, उसके बाद आप आंख बंद करके भी इसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कैसे, अगला स्टेप होना चाहिए, यहाँ पे 0 फैक्टोरियल लिखो, यहाँ पे 1 फैक्टोरियल लिखो, यहाँ पे लिखो 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे लिखो 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे लिखो प्यारे बच्चों 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे लिखो 5 फैक्टोरियल, एंड अल्टीमेटली यू हैव टू मल्टीप्लाई द रिस्पेक्टिव टर्म्स। आपको बस मल्टीप्लाई करना है, किसको मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ करना है, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा आपका, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल के साथ, समझ आया कि नहीं आया, प्लस 3 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 3 के साथ, प्लस 2 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा आपका, 1 के साथ, प्लस 1 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 1 के साथ, एंड इफ यू विल एड ऑल दिस टर्म व्हाट एग्जैक्टली यू आर गेटिंग, 5 × 4 × 3 × 2 upon 2 × 2, ठीक है? इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका 2 बचेगा, फिर कितना होगा आपके पास, 4 × 3 × 2
ये कितना हो जाएगा आपके पास, इसे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, बड़े प्यार से आपको पता होता है, ये 2 होता है, ये 1 होता है। इफ यू विल ऐड ऑल दिस, जब आप इन्हें ऐड करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, 5 टू जो 10 30, कितना बचेगा आपका 5 टू जो 10 30, एक आ गया आपके पास 30, ठीक है। फिर कितना आ जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 4 36, ये बचेगा प्यारे बच्चों 36, 6 3 आपके पास आएगा 18 और ये आएगा 3, ठीक है। तो ये आएगा 8 और 6 14 17 के साथ हासिल आएगा 1 1 और 1 2 और 3 4 5 6 7 8 87, तो ये आएगा। तो मैं आपको एक बता देता हूँ, जब आप इस ट्रिक को लगाते हैं तो 87 क्या आते हैं कि गूगल से पहले डिक्शनरी में कितने वर्ड्स होंगे। अब बिकॉज यू हैव टू फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड गूगल, सो एट द एंड ऑलवेज यू हैव टू ऐड वन इन ऑर्डर टू फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड गूगल। समझ आया कि नहीं आया? सो 88th विल बी द रैंक ऑफ द वर्ड गूगल। यकीन मानिए इस ट्रिक को आप 2-4 बार लगाएंगे तो आपकी हैबिट बन जाएगी इस ट्रिक को लगाने की, और क्वेश्चन बड़ी प्यारी से और बड़े प्यार से आप आसानी से निकाल सकते हो। और मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में बताओ, मेरा नाम है अमन AMAN, एंड अल्टीमेटली यू हैव टू फाइंड द रैंक ऑफ दिस वर्ड। आई होप आपको कंसेप्ट समझ आया होगा।